नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। देवों के देव महादेव का प्रिय माह सावन समाप्त होने वाला है। 14 जुलाई से शुरू हुआ सावन 12 अगस्त को समाप्त हो जाएगा और ऐसे में दोस्तों सावन का चौथा और आखिरी सोमवार 8 अगस्त को पड़ रहा है। सावन का हर सोमवार हम सभी जानते हैं भगवान शिव जी की पूजा आराधना के लिए बहुत विशेष होता है, तो ये शिव भक्तों के लिए आखिरी मौका होगा। ये आखिरी सावन का सोमवार है, तो इस दिन भगवान के भक्त उनकी विधि पूर्वक पूजा करेंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन में भगवान शिव की पूजा आराधना से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान का आशीर्वाद हमें बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, ये जो सावन का आखिरी सोमवार है ये बहुत ही महत्व रखता है। इस बार का जो सावन का आखिरी सोमवार है ये और खास हो जाता है क्योंकि इसे दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। तो बहुत शुभ संयोग है, एक साथ आप सावन सोमवार और पुत्रदा एकादशी का व्रत इस दिन रखेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करेंगे और भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। तो सावन के इस आखिरी सोमवार क्या वो ऐसे खास कार्य हैं जो आपको जरूर करने चाहिए भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए? दोस्तों, खास तौर पर जिन भी दंपतियों की संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें ये उपाय जरूर अपनाने चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो कई सवाल आए हैं कि सावन की जो आखिरी सोमवार है और पुत्रदा एकादशी का व्रत है, क्या ये दोनों एक साथ कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो भी साल के व्रत होते हैं अगर वो किसी वार विशेष के व्रत के साथ पड़ जाएं और आप दोनों व्रत करते हैं तो ऐसे व्रतों को रखा जाता है। हाँ, ये मनाही जरूर की जाती है कि लगातार दो दिनों के व्रत आप जानते हुए ना रखें। जैसे कि आपने मंगलवार के व्रत रखे हैं तो आप सोमवार के व्रत ना रखें, अगर आप शनिवार के व्रत रख रहे हैं तो रविवार के व्रत अगले दिन ही पड़ रहा है तो ना रखें, क्योंकि ऐसे में पारण जो करने का विधान है वो भी नहीं हो पाता है। लेकिन अब क्योंकि सावन के सभी सोमवार के व्रत करते हैं और पुत्रदा एकादशी संयोगवश पड़ रही है सोमवार के दिन, तो ऐसे में ये व्रत रखे जाते हैं। आप चाहते हैं रखना दोनों व्रत, आप रख सकते हैं। दोनों की पूजा आपको करनी होगी। जैसे कि सावन सोमवार के व्रत में आप शिव मंदिर जाकर पूजा आराधना करते हैं शाम के समय, आप वैसे करें या घर पर आप करते हैं वो पूजा आराधना करें। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना एकादशी के व्रतों में हम सुबह में ही कर लेते हैं, तो आप विधि पूर्वक एकादशी व्रत का संकल्प लेकर एकादशी व्रत भी इस दिन रख सकते हैं, धारण कर सकते हैं। अब क्योंकि सावन सोमवार के व्रतों में दोस्तों फलाहार ही भोजन किया जाता है शाम की पूजा के बाद में, और एकादशी का व्रत भी आमतौर पर लोग या तो निराहार रहते हैं या फलाहार रहते हैं, तो आप फलाहार रहकर ही धारण करते हैं तो आप कर सकते हैं। दोनों ही व्रतों में अन्न खाने का विधान नहीं है, इसीलिए आप दोनों व्रत साथ में कर सकते हैं। अब इस दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा आराधना किस प्रकार से आपको करनी चाहिए? पुत्रदा एकादशी की तिथि है, संतान प्राप्ति की कामना है, आप शिव मंदिर जाएं और वहां पर भगवान का अभिषेक करें। देखिए, पुत्र प्राप्ति के लिए वैसे तो आप गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, दूध पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, जो भी एक द्रव्य आप लेकर जाएं उससे अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए शुद्ध गाय के घी से अगर आप अभिषेक करते हैं बहुत ही उत्तम बताया गया है। इसे वंश वृद्धि के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है जो सावन मास के इस आखिरी सोमवार और पुत्रदा एकादशी के खास संयोग वाले दिन आपको जरूर करना चाहिए। तो पहला ये एक उपाय आप जरूर करें, उसके बाद विधि पूर्वक जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं संपन्न करें, मैं आपको उपाय यहां पर बता रही हूं। दूसरा उपाय, संतान प्राप्ति की कामना के लिए मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है, धतूरे का जो फल होता है वो शिवलिंग पर अगर आप अर्पित करते हैं इससे भगवान शिव बहुत जल्द आप पर प्रसन्न होते हैं और संतान प्राप्ति की आपकी कामना अति शीघ्र पूर्ण होती है। तो इस दिन धतूरे का फल, फूल तो आप अर्पित करते ही हैं, धतूरे का फल इस दिन आप शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। तीसरी वो चीज जो आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है दोस्तों इस पुत्रदा एकादशी, वो है बांस के पत्ते
बैम्बू लीव्स जो बांस के पेड़ होते हैं उसके पत्ते आपको आसानी से शहरों में गांव में तो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, आपको अर्पित करने चाहिए। 11 की संख्या ले सकते हैं, 21 की संख्या ले सकते हैं। जिस प्रकार से बेलपत्र को हम साफ कर अर्पित करते हैं उसी प्रकार बांस के पत्ते आप लाएं, उसे धोकर साफ कर लें और शिवलिंग पर पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर अर्पित करें संतान प्राप्ति की अपनी कामना के साथ। तो तीसरा ये उपाय आप जरूर करें। चौथा कार्य जो आपको करना है इस दिन जौ लेंगे आप, उसे 1.25 किलो आप ले लें, उसे हल्का गीला कर लें और भगवान का शिवलिंग का जौ से अभिषेक करें। मतलब दोनों हाथों में उठा करके आप शिवलिंग के ऊपर आप अभिषेक की तरह ही इसे जौ को अर्पित करें। तो ये उपाय भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है संतान प्राप्ति की कामना जिन भी दंपतियों की है उन्हें इस उपाय को जरूर करना चाहिए। पांचवी वो चीज दोस्तों इस दिन शमी पत्र भी आप शिवलिंग पर अर्पित करें संतान और धन प्राप्ति की कामना के लिए। शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित करना चाहिए। तो सावन के इस आखिरी सोमवार और पुत्रदा एकादशी के सब संयोगों वाले स्थिति में आप भोलेनाथ को शमी पत्र, शमी के फूल मिले तो फूल अर्पित करें, पत्ते उसके जो पत्ते होते हैं वो भी उतने ही प्रिय हैं भगवान शिव को, तो आप वो भी जरूर अर्पित करें। उसकी भी संख्या 11 या 21 आप ले सकते हैं और भगवान को अपनी कामना के साथ अर्पित करें। तो ये पांच ऐसी चीजें हैं जो बड़ी आसानी से आपको प्राप्त हो जाएंगी और इस जो शुभ संयोगों वाली जो एकादशी आई है जो सावन का आखिरी सोमवार है इस दिन आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं इन सरल उपायों से और आपकी कामना वो जरूर पूर्ण करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये जो जानकारियाँ इस वीडियो के जरिए मैंने आपके साथ शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त परिवार मित्रजनों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।